too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कल हम पहुंच गए थे यहाँ पे लगभग 2:50 पे। 4:30 हमने सफारी शुरू करी और रात को 9 आए और नाइट सफारी की थी। बहुत ही अमेजिंग था। और कल का ब्लॉग किसी ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं। और हम रुके थे टिल्लू का जो ये होम स्टे है, हमें 1500 में होम स्टे मिल गया और खाना भी एकदम बढ़िया और घर जैसा खाना मिला है। इस भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टिल्लू का गेस्ट हाउस है और स्टार्टिंग में ही है, बिल्कुल जहाँ से सफारी शुरू होती है बिल्कुल उसके साथ में ही है। तो आज का प्लान बता दूं, हम जा रहे हैं अभी बांधवगढ़ नेशनल पार्क और उसके बीच में हम होके जाएंगे बेड़ाघाट और दूध सागर वाटरफॉल। और अमित भाई तो निकल चुके हैं और मैं और गौरव भाई रह गए हैं, दोनों हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं। मेरी तो पैकिंग हो गई अभी, आपने देखा। बाकी अब बस हम निकलेंगे अब यहाँ से। और समय बता दूं मैं, समय 8:14 हो गया और बिल्कुल टाइम से निकल रहे हैं हम। रेडी भाई? जी भाई, चलो लेट्स गो। हेलो गुड मॉर्निंग लवली पीपल, हम हैं अभी सतपुड़ा के टाइगर रिजर्व में और ये है टिल्लू का गेस्ट हाउस। और बहुत ही बढ़िया था यार, कमरे बड़ा, बहुत बड़ा कमरा है और उसका खाना भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हम रुके थे, ये परले वाले कमरे में, रूम नंबर 1। और बिल्कुल टाइगर रिजर्व जो है, ये ऑफिस है, ये सामने है, वहाँ से सफारी चलती है। और ये देख लीजिए टिल्लू का गेस्ट हाउस। और मेरे साथ हैं गौरव भाई और अमित भाई, निकल चुके हैं, हम भी निकलते हैं। तो आज का हमारा मेन डेस्टिनेशन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क और आज हमारी राइड का day 6 है। आज हम स्टे करेंगे बांधवगढ़ और कल सफारी करेंगे, टाइगर सफारी, क्योंकि वहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं, चांसेस ज़्यादा है मतलब कि वहाँ पे टाइगर दिखने के। होप फॉर द बेस्ट। बांधवगढ़ तक हमें दिखा रहा है 9:30, लगभग 400+ किलोमीटर हो गया, 450 के करीब होगा हमारा आज का डिस्टेंस। तो हम जिस रास्ते से आए थे वो तो पूरा टूटा फूटा पड़ा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन गूगल भाई हमें पता नहीं कोई दूसरे रास्ते से लेके जा रहा है। और ये देख लो, रोड तो है लेकिन डैमेज है बहुत, लेकिन उससे बेटर है यार, जो जिससे आए थे वो तो पूरी ख़त्म हुई पड़ी थी रोड, वो तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी। शुक्र है हमारा तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। और ये जंगल का छोटा पार्ट है, कोई जंगल से निकल रहे हैं हम। कल जो हमने भीम बेटी का केव्स देखी है ना, वो यार अमेजिंग केव्स हैं। तो अगर आप इस तरफ आए MP तो वो ज़रूर देख लें, 1,00,000 साल पुरानी ये केव्स हैं जिसमें स्टोन एज ह्यूमंस रहते थे, उनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई है, वो भी आपको उन पत्थरों पे मिल जाएगी। तो गाइस 10:11 हो गए हैं, 2 आवर्स हो गए हमें राइड करते हुए और अभी भी गूगल भाई 3 आवर्स की राइड और दिखा रहा है बेड़ाघाट। और लास्ट ईयर इसी मंथ फेब में मैं बेड़ाघाट गया था, मेरी राइड थी उड़ीसा की, जबलपुर होते हुए गया था। तो मुझे सजेस्ट किया था मेरे फ्रेंड ने कि यार बेड़ाघाट और धुआंधार ज़रूर जाना, रास्ते में ही है। तो मैंने लास्ट ईयर एक्सप्लोर किया था ये दोनों चीज़ें और बहुत ही अमेजिंग थी यार, और उसको दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए फिर मैं जा रहा हूँ कम्प्लीट 1 साल बाद। इस बार मेरी MP की राइड है और पिछले साल थी मेरी उड़ीसा की राइड। एट लास्ट हम पहुँच गए हैं नेशनल हाईवे 44 जो कि जबलपुर को जाता है। 120 किलोमीटर है जबलपुर यहाँ से और 90 किलोमीटर है बेड़ाघाट यहाँ से, हमारे यहाँ से एग्जैक्ट। और 2 आवर्स दिखा रहा है गूगल भाई, अगर ये हाईवे है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे अगर ये हाईवे है तो। पंचमठा मंदिर,
बोटिंग कहाँ होती है? बोटिंग सामने ही है। हाँ, हम पहुँच चुके हैं भेड़ा घाट में और समय 12:10 पे पहुँच गए थे और 10 मिनट तो हमारे जो रेलवे फाटक में ज़्यादा वेस्ट हो गए, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी जो आपने व्यू देखा ये है नौका विहार बेड़ा घाट और अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने हैं और ये पीछे लिफ्ट शुरू किए हैं एमपी टूरिज्म ने। लास्ट ईयर भी मैं आया था बोटिंग के लिए और हम सीढ़ियों से गए थे और ब्लॉग आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा होगा। अभी हम जा रहे हैं नीचे बाया लिफ्ट, फर्स्ट टाइम लिफ्ट से जा रहे हैं। दोनों तरफ के लिफ्ट चार्ज आना जाना 50 रुपए, लिफ्ट चार्ज वन वे 25 रुपए। ये कब से हुआ? दे दो भाई पैसा। हम बोटिंग साइड पे पहुंच गए हैं लिफ्ट से। आ रहा बोट, आपके लिए बोट आ रहा है। कितना चार्जेज है? कितने मेंबर आप? तीन लोग हैं सर। आपको लास्ट तक घूमना मिनी फॉल ना? हाँ, जो मेन होता है। हाँ, मेन मिनी फॉल। हाँ सर, ये 1500 का बोट आ रहा है। पर पर्सन बताओ हमें? 100 रुपए पर हेड। उसमें 15 भी लोग बैठते हैं सर, अगल से बोट करेंगे। नहीं, अलग से नहीं चाहिए। हाँ तो आइए। हमने 100 रुपीज़ की टिकट ली है पर पर्सन की। कम से कम 10-12 लोग होते हैं तभी एक बोट चलाते हैं। हाफ एन आवर की राइड होती है, बोट राइड। चारों तरफ मार्बल्स हैं। ये जितनी भी रॉक्स आप देख रहे हैं ये मार्बल रॉक्स हैं ये सारी, और बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। सर जी ये देख लीजिए, बैठिए। ये पक्षी राजकुमार की साली है, आजी गोरी आजी काली, उसको छेड़ो तो देती है गाली। तो ये देखिए व्यू, देखिए यार बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। ये चारों तरफ रॉक्स हैं और मार्बल रॉक्स हैं ये। How you feel? So how you feel? कैसा लग रहा है यार? दिल कर रहा है यहीं पे चप्पू चलाते रहे। हवा चल रहा थोड़ा ऐसा मुरकाना तो तैयार है। अरे साइड कर, चलो ठीक है, हो गया ले लो आज। तो गाइस अभी हम थे भेड़ा घाट में, आपने देखा हमने बोटिंग करी और बोटिंग से सीधा मैं आ गया हूँ धुआंधार वाटरफॉल। और ये देखिए मेरे बिल्कुल सामने है धुआंधार वाटरफॉल। और हम लास्ट ईयर भी आए थे, आपने अगर मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे उड़ीसा के, तो उसमें मैं सेकंड डे में धुआंधार आ गया था। तो ये व्यू देख लीजिए, बहुत ही शानदार है यार यहाँ का व्यू चारों तरफ का, और बहुत ही टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। और ये दोनों बाइक्स हमारी खड़ी हुई हैं और हम सीधा पार्किंग यहीं पर ले आए हैं, बिल्कुल जहाँ पे वाटरफॉल है वहीं पे हमने अपनी बाइक ले आए। और गेट पे हमने रिक्वेस्ट करा भाई को, हमने बोला कि भाई हमारा सामान है, तो वहाँ पे पार्किंग में खड़ी करने में थोड़ा रिस्क रहता है, इस वजह से फिर हम यहीं पे ले आए बिल्कुल वाटरफॉल के पास। बस अब फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, इसके बाद सीधा निकल जाएंगे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो इससे पहले हम करेंगे लंच, क्योंकि भूख लग रही है, हमने अभी सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, भागम भाग लगी हुई है। तो इसके बाद 200 किलोमीटर का और हमारा रन है, अभी आज की राइड 200 किलोमीटर और हमने करनी है। और मेरे साथ तो पाजी आए हैं पंजाब से, और यहाँ पे गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। कौन सा गुरुद्वारा है? गुवारी घाट। क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह जी। तो हमारी बाइक देख के फटाफट हमारे पास आए, हमारे से सेल्फी इन्होंने खींची है, बहुत ही बढ़िया लगा भाई आपसे मिल के। मेरे को भी बहुत लगा। थैंक यू यार, थैंक यू आपका। तो एक बार फिर देख लीजिए धुआंधार वाटरफॉल, ये सामने बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है ये भेड़ा घाट में। और अब हम चल पड़े हैं बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व, और आज रात वहीं स्टे करेंगे और कल फिर हम सफारी करेंगे, टाइगर सफारी। और ऑलरेडी हमने 2 स्लॉट 3 स्लॉट बुक कर दिए हैं
अमित भाई मेरा और गौरव भाई का, और बाइक मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके यहाँ से परमिशन ली है, नहीं तो बाइक नहीं आने देते यहाँ पे। ओनली फोर व्हीलर आप अलाउड है यहाँ तक आने में, वो भी पार्किंग तक यहाँ तक सामने। तो अब चलते हैं सीधा टाइगर रिजर्व। कहाँ कहाँ का टूर है आपका सर? अभी तो एमपी घूम रहे। एमपी इसके बाद वापसी दिल्ली, दिल्ली से एमपी। तो ये भाई जी हैं, आपका नाम? विजय सिंह। तो भाई साहब को हमने बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे पास सामान है, हमें जाने थे, तो उन्होंने हमारी को परमिशन दी जाने की। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएं इसके बारे में, भेड़ाघाट के बारे में थोड़ा। आपने वाटरफॉल देखा? देखा, बहुत शानदार। और ये आगे जो बोटिंग होती है मार्बल रॉक के पंचवटी में, हाँ अभी करके ही आए हम, लेकिन हमें बहुत अच्छी लगी वो भी। अच्छी लगी ना? हाँ बहुत शानदार लगी। यहाँ पे दो ही हैं बस ये टूरिस्ट, एक टेंपल और है वो 64 योगिनी का मंदिर। अच्छा, अब लोग बताते हैं कि प्राचीन काल की मंदिर है, 64 मूर्तियां हैं वहाँ पे। 64 मूर्तियां जी। अच्छा, 64 मूर्तियां टोटल खंडित है। खंडित है, अच्छा। बाकी तो और कुछ नहीं है यहाँ भेड़ाघाट पे आसपास? तो बोटिंग देख ली आपने? हाँ देख ली। तो बता दें कि औरंगजेब जीती? हाँ, मुगलों ने करी होगी ये तो। सारी जितने मंदिर हैं सब तोड़े मुगलों ने ही है। बताते तो अभी हम जा रहे हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वहाँ पे कल हम करेंगे सवारी, उसके बाद वापसी दिल्ली को। तो धन्यवाद अगेन आपका बहुत बहुत। ठीक है सर, थैंक यू। तो चलते हैं अब सीधा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और से पहले करेंगे हम लंच। तो 12:20 पे हम भेड़ाघाट पहुंच गए थे, और अब 3:15 हो गए हैं। लगभग 3 घंटे हमने ये वहाँ पे स्पेंड किए। हमने बोटिंग करी और उसके बाद धुआंधार वाटरफॉल देखा। लास्ट ईयर भी मैंने यही सेम देखा था और इस बार भी देखा। लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया था, इसलिए मैं फिर दोबारा आ गया। बांधवगढ़ जा रहे हैं अभी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बहुत सारे टाइगर्स मिलते हैं देखने को, क्योंकि एरिया छोटा है और टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए देखते हैं, ट्राई लेते हैं। कल तो हमें दिखाई नहीं दिया, होप फॉर द बेस्ट। कल सुबह की हमारी सफारी है 6 बजे की, और रात को वहाँ पहुँचते हैं, 4 घंटे की राइड है, तो वहाँ जाके स्टे करते हैं आज रात को। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। तो गाइस हमने यहाँ पे अभी टी ब्रेक लिया था, काफ़ी देर से हम नॉन स्टॉप चल रहे थे, और हमने लंच भी नहीं किया ना ब्रेकफास्ट किया, बस एक जूस पिया था भेड़ाघाट में, और कुछ नहीं खाया पिया, और थोड़े बेर खाए थे जो वाटरफॉल पे। तो यहाँ पे चाय पिए है, थोड़ा सा स्नैक्स लिया है बस साथ में, अब रात को इकट्ठा डिनर ही करेंगे। तो यहाँ से 60 किलोमीटर है टाइगर रिसोर्ट विला, जो हमने ऑलरेडी बुक कर रखा है, और वहाँ पे सीधे जाएंगे बांधवगढ़ में। हम जो रूट ले रहे हैं वो पूरा ये अपना नेशनल हाईवे से ही जाएंगे। अराउंड 1 आवर की राइड और रह गई है हमारी, मिलते हैं आपको सीधा रिसोर्ट पे अब। और जस्ट 12 किलोमीटर रह गया है हमारा डिस्टेंस, और 13 किलोमीटर रह गया, और 23 मिनट दिखा रहा है गूगल भाई। और ये पूरा जंगल है बांधवगढ़, जंगल के अंदर से निकल रहे हैं, आसपास ही है हमारा यहाँ पे टाइगर विला। ये आ गया टाइगर विला। और हम पहुंच गए रिसोर्ट में। कॉफी पियोगे प्रदीप भाई? हाँ ले लेंगे। और खाने में क्या मिलेगा? चिकन विकन सब मिल जाएगा? मुर्गा मिलता है? मुर्गी मिलेगी, सब मिल जाएगा। वो नीचे बैठ के कहाँ बोल फायर लगा देगा यार, 200-300 रुपए में कह रहा है। ठीक है, बोल फायर लगा लेते हैं। कितना देर में चल जाएगा? 2-3 मिनट चल जाएगा, 2 मिनट चल जाएगा ना, होता है।
चलो नीचे चलते हैं। समय हुआ है 8 और हमारी बोन फायर लग गई है और हम रेडी हैं, तो सब चेंज करके थोड़ा हम फ्री हो गए हैं और जा रहे हैं अभी बोन फायर पे, और वहाँ जाके थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे और उसके बाद डिनर करेंगे। सुबह फिर जल्दी उठना है क्योंकि 6 बजे हमारी सफारी शुरू हो जाएगी। बस यही प्रोग्राम है आज का, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपका बोन फायर का और इसके बाद हम खा पी के सो जाएंगे। बोन फायर भी सेकना चाह रहे ठंड है ना यहाँ तो? यहाँ तो ठंड है भाई, जंगल है ना, जंगल एरिया है, ठंड है बहुत। तो ये हमारी बोन फायर शुरू हो गई है यार, हमने तो ताला बुक किया, अब ये कह रहे हैं मगरी में पहुँच गए यार, गूगल तो कह रहा था ताला भी दिखेगा। क्या दिखेगा? गोली दे रहे हैं यार, ये टाइगर है कि टाइगर क्या है? टाइगर गोली दे रहा है, टाइगर ताला में सबसे दिखता था कि अब दिखना बंद हो गया ताला में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करना, आज डे 6 है, उससे पहले के 5 दिन के भी ब्लॉग प्लीज देख लेना और कमेंट करना जो भी आपको अच्छा लगे और जो आपने देखना चाहते हो। कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम, जय हिंद। हाय, हेलो, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस, बाय।